हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन। वेलकम यू ऑल हेयर फ्रेंड्स। आज है 17 मार्च 2019 और देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर वन की। पेज नंबर वन पर जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट इंडिया टू वर्क विद चाइना ऑन अजहर। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से चाइना ने मसूद अजहर की लिस्टिंग को अपोज किया था यूएनएससी में, यानी कि चाइना ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने में वीटो कर दिया, यानी कि उसको टेक्निकल होल्ड पर डाल दिया। और ये टेक्निकल होल्ड जो है ये इनिशियली 6 मंथ्स के लिए होगा और बाद में इसको 3 मंथ्स तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो पूरी कोशिश करेगी कि इंडिया के पास जो ये टाइम है इसमें चाइना को पूरे तरीके से कन्विंस किया जा सके क्यों मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना ज़रूरी है, राइट। तो फ्रेंड्स, कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना ये है कि चाइना ने इस प्रपोजल को होल्ड पर रखा है, ब्लॉक नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास अभी कुछ महीने हैं जिसमें इंडिया पूरी कोशिश करेगा चाइना को कन्विंस करने की। तो फ्रेंड्स, यूएनएससी की ये जो मीटिंग हुई थी इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो वोटिंग हुई है वो 14:1 की वोटिंग हुई है, यानी कि यहाँ पर 14 कंट्रीज जो थी यूएनएससी की वो मसूद अजहर के ऊपर बैन लगना चाहिए इस चीज़ को फेवर कर रही थी और सिर्फ एक कंट्री थी जो इसको अपोज कर रही थी और वो थी चाइना, राइट। तो फ्रेंड्स, चाइना ने इसको अपोज किया है और इस तरीके से चाइना भी बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने में हेल्प करे, राइट। लेकिन चाइना ने एक अलग ही स्टैंड लिया है। चाइना ने कहा था कि वो पहले इंडिया पाकिस्तान के साथ बात करेगा, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लेगा कि क्या मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चाइना का पब्लिकली नाम नहीं लिया है, लेकिन 2017 फरवरी में इंडिया ने चाइना के इस ब्लॉक को डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया था, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डाटा देखते हैं कि कब कब यूएन में ये कोशिश की गई है कि मसूद अजहर के ऊपर बैन लगना चाहिए। तो सबसे पहले अक्टूबर 2001 में यूएनएससी ने जैश ए मोहम्मद को ग्लोबल टेरर ग्रुप में लिस्ट किया था और इसका जो फाउंडर है यानी इसका जो लीडर है वो है मसूद अजहर और ये इसका फाइनेंसर भी है, राइट। इसके बाद अप्रैल 2009 में जब हमारे यहाँ पर मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद में चाइना ने इंडिया के प्रपोजल को, यानी जो इंडिया का प्रपोजल था कि जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर है उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, तो उस टाइम पर चाइना ने फिर से इसको होल्ड पर डाला था और बाद में इसके ऊपर वीटो कर दिया था। ऐसे ही मार्च 2016 में भी हुआ जब हमारे यहाँ पे पठानकोट अटैक हुआ था, तो चाइना ने उस टाइम पर इंडिया के प्रपोजल को होल्ड पर रखा और उसके बाद वीटो कर दिया, राइट। ऐसे ही फरवरी 2017 में हुआ जब हमारे यहाँ पर उरी अटैक हुआ था, तो उस टाइम पर भी चाइना ने इसको वीटो कर दिया था। इसके अलावा जुलाई 2018 में चाइना ने प्रपोजल को होल्ड पर रखा था और वीटो कर दिया, और 2019 में फिर से चाइना ने ऐसा किया है कि ये जो प्रपोजल है इसको होल्ड पर रख दिया है, राइट। तो अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो पेज नंबर वन पर है और इसमें बात की गई है इंडिया कीप्स खालिस्तान थ्रेट ऑफ करतारपुर टॉक्स। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर टॉक्स चल रहे हैं जिसमें इंडिया ने कुछ डिमांड्स रखी हैं। वो डिमांड्स क्या हैं, इसमें इंडिया ने ये बात बोली है कि जो हमारे सिख पिलग्रिम्स हैं उनको वहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री दी जाए। इसके अलावा पर डे के हिसाब से वहाँ पर 5,000 पिलग्रिम्स को जाने की परमिशन हो, यानी वहाँ पर सहूलियत हो। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का कहना यह है कि वो सिर्फ एक दिन में 700 पिलग्रिम्स को जाने की ही परमिशन दे सकता है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी डिमांड की है कि जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जैसे कि बैसाखी या फिर गुरु नानक देव जी का बर्थडे, तो उस टाइम पर हमारे कम से कम 10,000 पिलग्रिम्स को वहाँ पर जाने की परमिशन मिले, राइट। तो ये टॉक्स यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो कि खालिस्तान इशू है इसको रेज नहीं किया गया है। तो एक सीनियर ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ये जो इशू है इसको डेलिब्रेटली एजेंडा में नहीं रखा गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले करतारपुर कॉरिडोर की डिस्कसिंग से डेविएट करने की, यानी पीछे हटने की, राइट। इसीलिए इस इशू को एजेंडा में नहीं रखा गया। इसके अलावा पाकिस्तानी एजेंसीज पूरी तरीके से ट्राई करेंगे कि जो हमारा सिख यूथ है उसको रेडिकलाइज करें खालिस्तान के इशू पर, लेकिन हमें हमारे इंडियन सिटीजन्स के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखना होगा, राइट। इसके अलावा एक सोर्स का कहना यह है कि खालिस्तान इशू जो है बेशक से इस बार नहीं रेज किया गया है, लेकिन हर बार इंडिया सालों से पाकिस्तान के सामने इस इशू को रेज करता रहा है। इसके अलावा ऐसी कंट्रीज जहां पर खालिस्तानी समर्थक ज़्यादा हैं जैसे यूएस, कनाडा और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये अपने कंसर्न को वहाँ पर रेज किया है, राइट। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 5 पर है और इसमें बात की गई है
एनजीटी डायरेक्ट सीपीसीबी टू प्रिपेयर नॉइज पोल्यूशन मैप। तो फ्रेंड्स एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये डायरेक्ट किया है कि वो नॉइज पोल्यूशन मैप को प्रिपेयर करें और इसके लिए रेमेडियल एक्शन प्लान भी वो बताएं, राइट। इसके अलावा एनजीटी का कहना ये भी है कि सीपीसीबी ने यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जिस तरीके से 7 सिटीज में नॉइस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश किया है, ऐसे ही अदर सिटीज जहां पर जो नॉइस पोल्यूशन है वो लिमिट से बियॉन्ड है, वहां पर भी ऐसे ही मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करें, राइट। इसके अलावा जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको भी डायरेक्ट किया गया है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प से यानी जो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी हेल्प से ये जो नॉइस पोल्यूशन लेवल है इसको मॉनिटर करने के काम करें, राइट। तो फ्रेंड्स हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एनजीटी और सीपीसीबी के बारे में जानना। तो पहले देखते हैं एनजीटी के बारे में कि ये क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को 2010 में एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर। तो इसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसी एक स्पेशलाइज्ड फोरम को क्रिएट करना जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड केसेस, या फिर जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को या उनकी हेल्थ को कोई भी डैमेज हुआ है तो उनको किस तरीके से कंपनसेशन देना है, इन सब केसेस का इफेक्टिवली और स्पीडी डिस्पोजल कर सके, इसीलिए एनजीटी को एस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो प्रिंसिपल बेंच है एनजीटी की कहाँ पर है, ये है नेशनल कैपिटल यानी न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी जो रीजनल बेंचेस है वो कहाँ कहाँ पर हैं, वो है पुणे में, पुणे जो है ये वेस्टर्न जोन बेंच है, भोपाल में भोपाल सेंट्रल जोन बेंच है, चेन्नई ये सदर्न बेंच है, और कोलकाता ये ईस्टर्न बेंच है। इसके अलावा एनजीटी की बहुत सारी सर्किट बेंचेस भी हैं। तो फ्रेंड्स एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं और जो अदर जुडिशियल मेंबर्स होते हैं वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ईच बेंच ऑफ एनजीटी यानी एनजीटी की हर एक बेंच जो है इसमें एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर होना चाहिए और एक एक्सपर्ट मेंबर होना चाहिए, और जो एक्सपर्ट मेंबर है उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और मिनिमम 15 ईयर का उसको एनवायरमेंट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। अब देखते हैं सीपीसीबी के बारे में, यानी कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये क्या चीज़ है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसको बाय लॉ बनाया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर। इसके अलावा सीपीसीबी के पास बहुत सारी पावर हैं और बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, जैसे कि जो कि किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंडर। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड करती है जो कि किसके अंडर आता है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। और इसके अलावा सीपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में कोऑर्डिनेट भी करता है और जब जरूरत पड़ती है उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, और साथ साथ अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उनको रिजॉल्व करने का काम भी सीपीसीबी का है, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 7 पर है और इसमें बात की गई है रैली टू डिमांड डिस्ट्रिक्ट सीटर्स फॉर जांस्कर। तो फ्रेंड्स जांस्कर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है वहाँ पे कुछ लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है इस डिमांड के साथ में कि जांस्कर को भी डिस्ट्रिक्ट सीटस मिलना चाहिए। जांस्कर जो है ये लद्दाख रीजन के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसका जो एरिया है वो है 7,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो 2006 में मेडिकल सेंसस जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो है 13,849। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर स्कैटर्ड स्मॉल विलेजेस में रहते हैं और यहाँ पे जो लार्जेस्ट कैपिटल है वो है पादुम, यहाँ पर लगभग 700 इनहेबिटेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है हमारा इंडिया और ये वाला जो पार्ट है ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के इस वाले एरिया में आता है जांस्कर, राइट। यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जैसे कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, फिर है जांस्कर, और जांस्कर जो है उसकी लोकेशन कुछ इसी जगह पर है। इसके बाद है पीर पंजाल और यहाँ पर है धौलाधर। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं ये है अरावली रेंजेस, यहाँ पर है शिवालिक। इसके अलावा ये अजंता, महादेव, कैमूर हिल, माइकल, राजमहल, गारो, खासी, जयंतिया, इसको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है मिजो और यहाँ पे है मिकिर हिल, ये है पटकाई बूम और ये अबोर और ये मिशमी, राइट। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 9 पर है और इसमें बात की गई है
लो कन्विक्शन हिंडर्स फाइट अगेंस्ट स्पूरियस ड्रग्स. तो फ्रेंड्स, स्पूरियस ड्रग्स जो होते हैं ये इनके बहुत ही हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कि इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है. तो ड्रग कंट्रोलर का एक सर्वे हुआ था 2015 से 2018 के बीच में, जिसमें ये बात सामने आई थी कि 606 प्रोसिक्यूशन लॉन्च किए गए हैं मैन्युफैक्चरर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस और एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के अगेंस्ट में, जिसमें 35 केसेस को ही अभी डिसाइड किया सका है. तो 54th पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने ये नोट डाउन किया कि जिस हिसाब से कंट्री का साइज है और यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसके हिसाब से सैंपल साइज जो है वो एडिक्वेट नहीं है, जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो है स्प्यूरियस और नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग की इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर उसको मीजर किया जा सके. यानी कि ये जो सैंपल साइज है वो एडिक्वेट नहीं है. इसके अलावा कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि ये जो प्रोसिक्यूशंस लॉन्च किए गए हैं मैन्युफैक्चरर्स सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्यूरियस और नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग के अगेंस्ट में, इनका टाइम बाउंड डिसीजन होना चाहिए. इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए जो कि हर स्टेट्स में हो और यूटीज में हो, जो कि टाइमली इनको डिस्पोज कर सकें. इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये भी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया है कि गवर्नमेंट को एडिक्वेट मीजर लेने होंगे, जिससे कि ये टाइम बाउंड डिसीजन हो सके और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेलर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके मन में एक डर बैठे और वो इस काम को, यानी जो स्पूरियस ड्रग्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर ना करें या उनको डिस्ट्रीब्यूट ना करें, राइट. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर ने 3 ईयर्स में जो सर्वे किया, उसे पता लगा कि कितने सैंपल्स पे टेस्ट किया गया है और कितने एक्शंस यहाँ पे लिए गए हैं. तो यहाँ पर डाटा दिया गया 2015-16 का, 16-17 का और 17-18 का. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ कन्विक्शंस हैं वो यहाँ पर डाटा दिया गया है, और कितने लोगों को यहाँ पर सिर्फ अभी अरेस्ट किया जा सका है, राइट. तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो पेज नंबर 9 पर है, और इसमें बात की गई है यूएन में डेल्यूट इंडियन प्लान टू फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक. तो फ्रेंड्स, यूएनईए यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली, जो कि नैरोबी में चल रही है, उसमें जो एम्बिशियस रेजोल्यूशन है इंडिया का सिंगल यूज प्लास्टिक को 2025 तक फेज आउट करने का, उसको वाटर डाउन किया गया, यानी उसको नीचे किया गया. तो हुआ क्या था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे समिट जो कि 5 जून 2018 को हुई थी, तो उस टाइम के यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने प्राइम मिनिस्टर के प्रेजेंस में ये शपथ ली थी, ये प्लेज ली थी कि वो 2022 तक इंडिया से सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देंगे, राइट. इसमें कुछ स्टेट्स ने पुश भी किया, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, तो उन्होंने अपने यहाँ पर जो प्लास्टिक बैग्स हैं या जितनी भी सिमिलर डिस्पोजेबल्स हैं उनको बैन कर दिया. तो लेकिन अभी जो फाइनल डिक्लेरेशन आया है 15 मार्च को, इसमें टाइमलाइन को एडिट किया गया है और इसको चेंज करके 2030 कर दिया गया है. यानी कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करना होगा 2030 तक. इसके अलावा प्लास्टिक के साथ साथ इंडिया ने नाइट्रोजन पोल्यूशन को कर्व करने की बात भी की है. तो जो ग्लोबल नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा लो है, और ये जो रिएक्टिव नाइट्रोजन होता है ये पोल्यूशन क्रिएट करता है, जिससे ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम सर्विसेज और जो क्लाइमेट चेंज होता है या जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन है उसमें बहुत ज़्यादा थ्रेट करता है, यानी बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है, राइट. तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम प्रपोर्शन प्लास्टिक का अगर प्रोड्यूस किया जाता है ग्लोबली और रिसाइकल किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज करता है और बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करता है. इसके अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2015 में ये एस्टिमेट किया था कि जो इंडियन सिटीज़ हैं वो 15,000 टन प्लास्टिक को जनरेट करती हैं डेली बेसिस पर, और जिसमें से 70% प्लास्टिक जो प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट हो जाता है. इसके अलावा 17 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर प्लास्टिक पर बैन लगाया है, लेकिन ये प्लास्टिक बैन जो है ये सिर्फ पेपर के ऊपर ही है, राइट. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो पेज नंबर 10 पर है, और इसमें बात की गई है यूएस, फ्रांस एंड यूके इन टॉक्स विद चाइना ऑन अजहर. तो फ्रेंड्स, इस न्यूज को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से चाइना ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने में वीटो किया था, और इस प्रपोजल को सामने रखा था यूएस, फ्रांस एंड यूके ने यूएनएससी के अंदर कि जो जैशे मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन चाइना ने इसको वीटो किया. तो अभी यूएस, फ्रांस और यूके चाइना से इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्यों जैशे मोहम्मद के चीफ को, यानी मसूद अजहर को, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना जरूरी है, राइट. इसके अलावा ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि यूएनएससी के अंदर 15 मेंबर्स में से 14 मेंबर एक साइड थे और एक मेंबर जो था वो बिल्कुल अलग थलग था. तो 14 मेंबर जो थे इनका कहना ये था कि मसूद अजहर के ऊपर बैन लगना चाहिए, लेकिन एक कंट्री जो कि चाइना है उसने इसको वीटो कर दिया, यानी इसको टेक्निकल होल्ड पर डाल दिया.
तो एक ऑफिशियल का कहना ये है कि ये जो काम किया है चाइना ने, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेट करने वाला है, और चाइना का जो स्टैंड है वो बहुत ही अनरीजनेबल है कि वो एक टेररिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एक सिक्योरिटी काउंसिल डिप्लोमेट का कहना ये है कि अगर चाइना इसी तरीके से ब्लॉक करता रहा मसूद अजहर के डेजिग्नेशन को, तो जो रिस्पॉन्सिबल मेंबर स्टेट्स हैं वो कोई अदर एक्शन देखेंगे, क्या एक्शन इसके लिए लिया जा सकता है, राइट? तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ का जो पेज नंबर 15 पर है, और इसमें बात की गई है अ जेल टू सेलेक्टिवली रिमूव ऑयल और वाटर। तो फ्रेंड्स, एक नेचुरल बायोपॉलीमर चिटोसिन, ये एक तरीके का पॉलीसेक्राइड है जो कि चिटिन शेल से ऑप्टेन होता है, ये एक वाटर सॉल्यूबल है, और इसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करके रिसर्चर्स ने एक जेल तैयार किया है जो कि ऑयल और वाटर को ऑयल वाटर मिक्सचर से रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो जो ऑयल स्पिल होते हैं उस टाइम पर ऑयल पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और उसको रिमूव करना, सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस पर ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये वाटर रिपीलिंग मटेरियल है और ये ऑयल रिपीलिंग मटेरियल है, यानी कि अगर इसको वाटर में डालेंगे तो ऑयल से वाटर अलग हो जाएगा, और अगर इसको डालेंगे तो यहाँ से ऑयल अलग हो जाएगा। तो ये जो जेल है ये केरोसिन, मोटर ऑयल, ऑलिव ऑयल और क्रूड ऑयल को वाटर से सेपरेट कर सकता है, और इसकी सेलेक्टिव सेपरेशन एफिशिएंसी जो है ऑयल और वाटर से ये 95% से भी ज़्यादा है। तो ये जो जेल बेस्ड मटेरियल है ये मैकेनिकली रॉबस्ट है और केमिकली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, राइट? तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट को हमसे डिफरेंट डिफरेंट तरह से पूछ सकते हैं, जैसे कि आप अपने डाउट को हमसे वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @सिविल सेक्शन, आप अपने हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा आप अपडेट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।